हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोब लाइट रूम अप्लीकेशन क्या है और आप इस ऐप में अकाउंट कैसे बना सकते हैं और आप फोटो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए करेंगे ओपन। तो सिंपली हम ओपन वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। वेट हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी। सिंपली आपको स्किप का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली हम स्किप वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एडोब अकाउंट साइन इन आप देख सकते हैं। एंड आपको फेसबुक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप गूगल का भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली हम साइन इन वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस। तो सिंपली आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा एंड कंटिन्यू कर देना होगा। तो सिंपली अपना ईमेल एड्रेस फिल करते हैं एंड कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप यूज, सिंपली ओके कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप लाइब्रेरी देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर और आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाता है। और फोटोज़ आप देख सकते हैं, पीपल देख सकते हैं, डिलीट जो किए रहेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे और आप न्यू आइटम्स भी देख सकते हैं। तो सिंपली चलिए हम यहाँ पर फोटो एडिट करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा और आपको गैलरी भी देखने को मिलता है। तो हम गैलरी वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपकी गैलरी इस प्रकार से ओपन हो जाती है। आपको किसी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा। सिंपली मैं आप फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है यहां पर सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली आप ऊपर देख सकते हैं ऑल फोटोज़ का ऑप्शन, उस पर हम टाइप कर देते हैं। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक फ़ोटो को एडिट करके भी देख लेते हैं। सिंपली हम इस फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप नीचे देख सकते हैं, आप यहां पर एडिट कर पाएंगे, आपको देखने को मिल जाता है। एंड हाइलाइट देख सकते हैं, क्रॉप देख सकते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप भी कर सकते हैं, ऑटो देख सकते हैं और आपको लाइट भी देखने को मिल जाता है। आप लाइट घटा बढ़ा भी सकते हैं। सिंपली हम लाइट वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर कुछ इसी तरह से एडिटिंग कर पाएंगे और आपको कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कलर करना चाहते हैं कलर भी कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। जिस तरह से हम एडिटिंग कर रहे हैं आप यहाँ पर भी एडिटिंग कर पाएंगे और आपको नीचे इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। इफेक्ट डालना चाहते हैं आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत से कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हर तरह से आप एडिटिंग कर पाएंगे और आप नीचे देख सकते हैं शेड का ऑप्शन। सिंपली हम शेड वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप जो ग्रुप में फ़ोटो शेयर किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं लर्न का ऑप्शन, उस पर हम टाइप कर देते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप फीचर्स में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलता है। सिंपली हम विवाल वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से पिक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग ट्रांसफर पिक्चर्स देख पाएंगे। आप यहाँ पर एडिटिंग करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। और आपको उसी के साथ नीचे डिस्कवर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर हम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर भी इस तरह से पिक्चर्स देखने को मिल जाता है। अलग अलग टेम्पलेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। और आप ऊपर देख सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं, एरियल देख सकते हैं, आपको हर कैटेगरी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पिक्चर्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल्स देख सकते हैं, बैक वाइट देख सकते हैं, एंड आप क्लोजअप देख सकते हैं, इवेंट देख सकते हैं, फैमिली देख सकते हैं, फैशन देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर फैशन वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर फैशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, अलग अलग पिक्चर्स आपको देखने को इस तरह से मिल जाता है। और इसी के साथ आपको ऊपर फॉलोइंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली हम फॉलोइंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर जिन लोगों को फॉलो किए रहेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और आप कोई भी पिक्चर एडिटिंग किए रहेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम न्यू आइटम्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको नीचे क्रिएट न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली हम एल्बम वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सिंपली हम ओके कर देते हैं।
तो आप यहाँ पर जो वीडियो एडिटिंग किए रहेंगे, आप यहाँ पर फोटो एडिटिंग किए रहेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिंपली आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वन फोटो एडिटिंग किया था, तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप कुछ इसी तरह से आप फोटो एडिटिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे।